वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बीएड में आपका कंपटीशन आपको कितना टफ हो गया है। तो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, खैर अभी तो आप फॉर्म भरने के फिलअप के डेट हो चुके हैं, तो ये जो आपको दिख रहा हुआ कि 1.16 लाख आवेदन हुए हैं, तो इससे भी आगे जाएगा, 100% जाएगा। तो सबसे अधिक देख लीजिए किस स्टेट में आए हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो इतना ये तो, क्योंकि ये तो न्यूज कल की है, तो मैं आज क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। तो पहले ये देख लीजिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौथे साल को कॉलेजों में नामांकन की संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया के जरिए होगा, यानी कि 4 साल से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, 2021 नालंदा लिया, 2021 ये LNMU लिया, बाकी जो 18 और 19 जो हुआ था वो NOU लिया था। दूसरी बार तिथि बढ़ाने के बाद आवेदन प्रक्रिया अब 5 जून तक चलेगी। अब तक का सबसे अधिक आवेदन कहाँ से आया है, तो पटना से आया है, यानी कि पटना में तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। जो भी पटना वासियों के लिए है, तो उनके लिए चिंता की बात तो है ही, लेकिन हाँ प्रिपरेशन कीजिएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर होगा ही, क्योंकि ये भी एक किसी एग्जाम से टफ नहीं रहा बीएड का एंट्रेंस निकालना। 33.6 हज़ार पटना से ही आवेदन है, और पटना में कॉलेजों की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन मुजफ्फरपुर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ भी कॉलेजों की संख्या काफ़ी है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 14 विश्वविद्यालयों में लगभग 350 कॉलेज पटना के ही हैं। इसमें सीटों की कुल संख्या 33 हज़ार से अधिक होगी। सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, तो BR अम्बेडकर में है। और फिर बता देती हूँ, विश्वविद्यालय मुजफ्फर जिसमें 57 विश्वविद्यालय से संबंध है, जबकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को मिलाकर 57 कॉलेज है, यानी कि 57। कम से कम एक कॉलेज में कामेश्वर से यूनिवर्सिटी में है, जहां 100 सीटों पर नामांकन के लिए विश्वविद्यालयों की समानता दी है। नामांकन की प्रक्रिया में कॉलेज शामिल है जिसे समानता मिलने पर NCTE से मान्यता मिलेगी। तो यहाँ पे देख लिए कितनी कॉलेज, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें 33 कॉलेज और 3 हज़ार सीटें हैं। तो ये आप सीटें के देख सकती हैं। फिर ये जानिए कि ये इतनी सारी सीटें हैं, तो आप देख लीजिएगा, पेपर लगा दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर। पटना में 33,641, मुजफ्फरपुर में 13,297, गया है फिर 12,939, दरभंगा में 10,928, भागलपुर में 8,436, आरा में 7,474, मधेपुरा में 6,843, पूर्णिया में 6,380, छपड़ा में 3,899, मुंगेर में 3,646 यानी कि 646, अन्य में है 3,811। तो ये आपका कंपटीशन कहाँ टफ होने वाला है, कहाँ आपका कंपटीशन रहने वाला है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने अभी तो वैसे तो एजम्पशन किया था कि 5 कॉलेजों में ही। खैर LNMU हर साल की तरह इस साल भी कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही, क्योंकि वो पिछले साल भी किया था ये कॉलेज तुरंत ये रूल, तुरंत ये रूल, तो 5 कॉलेज अपने ही स्टेट में चुनना, इस बार तो चूज करना है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं, वो तो आपको आगे पता चलेगा। मेरा बस यही आपसे अपील है कि अब आप एक सुधर जाइए, आँख खोल लीजिए और टारगेट बेस्ड तैयारी कीजिए, वरना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कुछ भी। अगर हाँ तैयारी जो करते हैं तो उनके लिए इतना भारी भी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसी इंसान को क्वेश्चन भारी रहेगा जो इंसान पढ़ा नहीं होगा। तो जितने भी सिलेबस है टॉपिक कवर कीजिए, सारे कीजिए, मॉक लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अपनी तैयारी दीजिए, अभी आपके पास 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।